There were four chapters in the section of hardware. Section number one was computer architecture. We have done it. Number two was input and output devices, in which we discussed sensors also. We learned it, right? Maham Vaseem, data storage hamara teesra chapter tha. Chautha chapter hai network hardware ka. Network hardware ke andar हम लोग तीन बातों पे मेनली, चार बातों पे मेनली फोकस करेंगे. मैक के ऊपर पे फोकस करेंगे, आईपी के ऊपर फोकस करेंगे, राउटर्स पे फोकस करेंगे और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर फोकस करेंगे, एनआईसी के ऊपर फोकस करेंगे. तो सबसे पहले मैं बेसिक तरीन चीज से शुरू करता हूं. दिस इज चैप्टर नंबर फोर. मैम तकदीश, वो सरोसामा से पूछे, वो जो कल आपको दो स्टूडेंट्स ने कॉल की थी उनका इश्यू आपने रिजॉल्व किया कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों का? जी बेटा, पढ़ा दिया था डिस्क थ्रैशिंग, पढ़ा दिया था. अब बताएं क्या होता है डिस्क, कोई बताएगा कोई बच्चा? एनीवन? इस बच्चे ने भी बता ही दिया था अभी. व्हाट इज थ्रैश पॉइंट एंड थ्रैशिंग? जब बहुत ज्यादा सारे रीड राइट ऑपरेशंस होते हैं तो डिस्क ओवर टाइम डिटीरियोरेट करती है उसकी परफॉर्मेंस. जब मैंने नहीं कहा था, नॉर्मल ऑपरेशन से ज्यादा रीड राइट कमांड्स होती हैं जो डिस्क को खराब करती हैं. तो डिस्क की इस खराबी को, वो क्या, जब खराब होना शुरू होती है तो उसको थ्रैश पॉइंट बोलते हैं और इस पूरे प्रोसेस को डिस्क थ्रैशिंग बोलते हैं. ठीक है, कंप्यूटर बिकम अनरिस्पॉन्सिव, इट क्रैशेज और डज नॉट परफॉर्म फंक्शंस नॉर्मली. ठीक है, बिकम्स स्लो. खैर, आज का जो हमारा टॉपिक है, इट इज नेटवर्क हार्डवेयर. नेटवर्क हार्डवेयर में वी विल डिस्कस फोर मेन टॉपिक: नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, वी विल डिस्कस इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड ऑल्सो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, एंड इसके अलावा हम बात करेंगे अबाउट एंड इंटरनेट और अ नेटवर्क डिवाइस, दैट इज राउटर्स. When we discuss about network interface card, network interface card इसकी abbreviation है. सबसे पहले network की तरफ आते हैं. कौन बताएगा what is network? Whenever ये पढ़ चुके हैं? नहीं, नहीं पढ़ा ना हम लोगों ने. जब भी दो या दो से ज्यादा computers connect होते हैं आपस में with intention to share information or data, they make a network. So you can say that, क्या भला, when two or more computers या computing devices, when two or more computing devices are connected together to share data. नेटवर्क किसको कहते हैं? व्हेन टू और मोर कंप्यूटिंग डिवाइसेज आर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर डेटा, तो उनको बोला जाता है एक नेटवर्क. नेटवर्क्स की बहुत सारी मिसालें हैं. नेटवर्क की बहुत सारी मिसालें हैं. जो स्मॉल नेटवर्क्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क्स कहा जाता है. क्या कहा जाता है बच्चों? लोकल एरिया नेटवर्क. जो स्मॉल विसिनिटी में सराउंडेड होते हैं, a network that is made inside a room or in a building or in a college or in a school or in a hospital, it will be a LAN. It is geographically covered by a small area. समझ आ रही कि नहीं? Small geographic areas में local area networks, जो networks बनते हैं उनको local area networks बोलते हैं. अब local area networks में दो types आती हैं, एक आती है wired और एक आती है wireless. जो वायर्ड होती हैं उनमें जो ऑप्टिक फाइबर केबल भी लग सकती हैं और दूसरी केबल, नेटवर्क केबल्स भी लग सकती हैं. तो ये जो प्रोटोकॉल फॉलो करती हैं उसको ईथरनेट कहते हैं, और जो केबल्स लगती हैं उसको कौन सी केबल्स बोला जाता है? ईथरनेट केबल्स कहा जाता है. प्रोटोकॉल कौन सा इस्तेमाल करती है? ईथरनेट का. वायरलेस में रेडियो वेव्स इस्तेमाल होती हैं. क्या इस्तेमाल होते हैं? रेडियो वेव्स. किसके जरिए? वाया वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स, इनको WAP कहा जाता है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स के जरिए.
वायरलेसली डेटा ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे ये वायरलेस ट्रांसमीटर पड़ा हुआ है, ये वायरलेसली डेटा को ट्रांसमिट करता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क इज सराउंडेड इन अ इट्स यू नो लोकल एरिया नेटवर्क एक स्मॉल ज्योग्राफिकली स्मॉलर एरिया में होता है, ये समझ आ रही कि नहीं, विसिनिटी क्या होती है इसकी, स्मॉल होती है, इट कवर्स ज्योग्राफिकली स्मॉलर एरियाज, सही है, इनसाइड अ बिल्डिंग, इनसाइड अ रूम, इनसाइड इन अ कॉलेज, इन अ स्कूल, हॉस्पिटल, इन एन ऑफिस एक्सेट्रा, और इसी तरह से जो वाइड और दूसरी को इसको डब्ल्यू लैन भी कहा जा सकता है, वायरलेस लैन भी कहा जा सकता है, वाइड को तो वैसे ही लैन बोलते हैं, वायरलेस को डब्ल्यू लैन भी कहा जा सकता है। फिर ये तो ज्योग्राफिकली कवर्स ज्योग्राफिकली स्मॉलर एरियाज, इट कवर्स ज्योग्राफिकली स्मॉलर एरियाज, ठीक है ये बात के नहीं, और इसी तरह से जब दूसरे की बात की जाएगी, एक और भी होता है उसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क्स। ये क्या चीज है, ये ज्योग्राफिकली लार्ज एरिया को कवर करता है, दिस इज connecting many lands together, ये क्या करता है, covers geographically large areas बोले तो مختلف head offices in one city, offices of certain organization in one city, हो सकता है कि नहीं, ठीक है, ऑफिसेस विद इन सिटीज, ये यूफोन के सारे वो वाइड ही नेटवर्क बनाता है। इसके लिए क्या चीज चाहिए होती है, एग्जॉटिक कनेक्शंस चाहिए होते हैं, हैवी कनेक्शंस चाहिए होते हैं, एग्जॉटिक, आज हसन आए हैं, एग्जॉटिक कनेक्शंस, इसमें क्या चीज होती है, एग्जॉटिक कनेक्शंस का मतलब है या तो इसको चाहिए होते हैं क्या चीज भला, इंफ्रारेड लिख दिया मैंने, ऑप्टिक फाइबर लिखना था, या तो ऑप्टिक फाइबर या तो दूसरी क्या चीज, माइक्रोवेव्स, या इसके अंदर समटाइम क्या चीज लगती है, सैटेलाइट्स भी इस्तेमाल होती हैं डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट रिसीव करने के लिए। बैठ जाओ दोनों, कौन है रायन बिनजेब, आप है यार, एक तो पेरेंट्स से प्लीज एक रिक्वेस्ट करें यार, ये हरकतें बंद कर दें, अब सारे बच्चों को मैंने कहा था ये शॉर्ट लीव वाले नहीं किया करें यार, ये मैं डिस्टर्ब होता हूँ, जाए भी लेकिन आइंदा से जितने बच्चे बैठे मैंने ये सुन ले यार, ये शॉर्ट लीव वाला ड्रामा ये इस सेशन में स्टार्ट हुआ, ये अपनी जो भी कमिटमेंट्स है क्लास के अलावा आप किया करें, कोई मजाक नहीं चल रहा, ठीक है ना, मैं बहुत डिस्टर्ब होता हूँ कि क्लास में से आए हर दिन 2-3 बच्चा शॉर्ट लीव पे जा रहा है, आपकी कमिटमेंट्स क्लास के बगैर होनी चाहिए, जिनकी जेन्युइन कमिटमेंट्स होती हैं वो भी बीच में इसी तरह से रगड़े जाते हैं, फिर सर में दर्द होगा जी शॉर्ट लीव लेने जा रहे हैं, अब मना कर दिया करें, बात सुने मामा, पेरेंट्स इस तरह से बोले ना, उन्हें बोले जी ये लास्ट टाइम है शॉर्ट लीव, अदरवाइज वो सर अलाउ ही नहीं करते, क्लास का पूरी इन्वायरमेंट बोले खराब होता है, एक बच्चे को बुला रहे हैं सर पढ़ा रहे होते हैं और इस तरह जो देखा देखी जिसने नहीं भी करनी होती ना वो भी घर जाके बहाने बनाते हैं और कहते हैं कि जी हमें भी छुट्टी चाहिए, इमरजेंसी हो तब कोई बात नहीं है, लेकिन इस तरह से कोई चीज हो ना तो ये क्लास देखें पूरी डिस्टर्ब होती है, मैं अपने फ्लो में पढ़ा रहा होता हूँ एकदम से शॉर्ट लीव चाहिए जी, कनेक्टिंग मेनी लैंड्स टूगेदर कवर्स ज्योग्राफिकली लार्ज एरियाज, ऑफिसेज विद इन सिटीज, एक्सॉटिक कनेक्शन चाहिए होते हैं जिसमें ऑप्टिक फाइबर, माइक्रोवेव्स या सैटेलाइट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ये बात के नहीं, तो ये और इंटरनेट क्या चीज है वो एक डिफरेंट चीज है, अभी हम लोग सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, फिलहाल एक नेटवर्क की बात कर रहे हैं, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट इज इंटरकनेक्शन ऑफ मेनी ग्लोबल नेटवर्क्स, जब हम बात करते हैं ना किसकी भला, इंटरनेट की,
इंटरनेट क्या है? इट इज द, जो जो चीज पढ़ी हुई बताते रहे, पढ़ा भाई हमने, हाँ, इंटर कनेक्शन, लैन और वैन पढ़ा भाई, इंटर कनेक्शन ऑफ मैनी ग्लोबल नेटवर्क्स, याद आ रहे कि नहीं? अच्छा, अब जब हम बात करते हैं ना नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की, जब भी एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाता है तो नेटवर्क बनाने के लिए, जैसे देखें आप लोग क्लास में मौजूद हैं तो हर एक बच्चे की एक यूनिक आइडेंटिटी है, एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि आप में से, मैं नाम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस नंबर की बात कर रहा हूं जो गवर्नमेंट ने आपको अलॉट किया है, हर बच्चे का वो नंबर क्या होगा, क्या होगा, डिफरेंट होगा। जब आप पैदा होते हैं आप मशीन तो नहीं है, अब तो इंसान है, तो आपको सबसे पहले क्या किया जाता है, रजिस्टर किया जाता है, क्या किया जाता है, रजिस्टर किया जाता है सबसे पहले, और जब आपको रजिस्टर किया जाता है और आपका एक फॉर्म बी बनता है, फॉर्म बी बनता है, उसको, उस फॉर्म के ऊपर आपको एक नंबर अलॉट किया जाता है, वो नंबर आपकी जिंदगी भर आपके साथ चलता है, उसको बोलते हैं आपका आईडी कार्ड नंबर, आपके स्मार्ट कार्ड के ऊपर भी वही वाला नंबर आता है, सिटीजन नंबर जिसको आप कहते हैं, समझ आ रही बात है कि नहीं? अब इसी तरह से जब कंप्यूटर मैन्युफैक्चर होता है तो उस वक्त उसको एक नंबर अलॉट किया जाता है, ताकि बेशक वो इंटरनेट से कम्युनिकेट करे या ना करे उससे ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसके पास ऐसी सलाहियत होनी चाहिए कि वो नेटवर्क में एक दूसरे के साथ नेटवर्क बना सके, नेटवर्क में अपना डेटा शेयर कर सके या डेटा को रिसीव कर सके। तो जब भी कंप्यूटर में दूसरे, एक नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क में जब कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से डेटा शेयर कर रहे होते हैं तो वो लाजमी अपना एक एड्रेस लाजमी बताते हैं कि मैं, मेरा जो एड्रेस है या जो मेरी आइडेंटिटी है वो क्या है, मेरा नंबर क्या है, ताकि अगली दफा जब उसका रिस्पांस आए तो सिर्फ इस कंप्यूटर को आए, किसी और की तरफ ना जाए, ताकि जो प्राइवेट मैसेजेस हैं, जो प्राइवेट मैसेजेस हैं वो सिर्फ उसी कंप्यूटर तक जाने चाहिए जिसको इंटेंडेड था भेजना, ऐसा ना हो कि किसी का प्राइवेट मैसेज सबको ना चला जाए। इसीलिए दीज एड्रेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट द डेटा गोज टू द इंटेंडेड रिसिपियंट ओनली, नॉट टू एवरीवन। इट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डिवाइस इन अ नेटवर्क, हु हैज जनरेटेड अ क्वेरी, हु नीड्स सर्विसेज, हु नीड्स सर्विसेज। अ कंप्यूटर जिसने एक क्वेरी जनरेट की है, सर्विसेज भी उसी कंप्यूटर को मिलेंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट के नहीं? इफ कोई एक कंप्यूटर करप्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, कहीं से वायरस जनरेट हो रहा है, तो सिर्फ उस कंप्यूटर को ब्रेक किया जाएगा, उसको ब्लॉक किया जाएगा, बाकी सारे अपनी कम्युनिकेशन को कायम रखेंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं? सो नेटवर्क इंटरफेस क्या है? ये कंप्यूटर के अंदर, जब कंप्यूटर का जो हम कहते हैं ना एक मैक एड्रेस है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, वो जो 12 हेक्साडेसिमल डिजिट्स का था, जिसमें वो 6 लेफ्ट वाले मैन्युफैक्चरर आईडी और 6 राइट वाले सीरियल नंबर ऑफ द डिवाइस थे, रिमेंबर, वो जो सेपरेटेड बाय कॉलन्स, याद आ रहा है ना? वो जो मैक एड्रेस होता है वो इनफैक्ट हमारे कंप्यूटर में एक चिप होती है, उसको बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, वो एक हार्डवेयर का हिस्सा होता है। सॉफ्टवेयर इज समथिंग दैट यू जस्ट कैन सी, अब उसको सिर्फ देख सकते हैं, लेकिन हार्डवेयर को यू कैन टच इट, इट्स अ सॉलिड थिंग। तो हार्डवेयर वो एक चिप होती है जो कि, जिसको एक हार्डवेयर की दुनिया में कहा जा सकता है कि उसका एक नंबर उसको अलॉट किया जाता है। इट हैज अ मैक एड्रेस, इट इज अ चिप, इनफैक्ट इट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इंटरफेस किसको कहते हैं? एनी पॉइंट जहां से आप डेटा को इन या आउट कर सकते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं? आपका खाना खाने का इंटरफेस कौन सा वाला है? वो है। सुनने का इंटरफेस कौन सा वाला है? कान का या सुराख। आंखों का इंटरफेस क्या है? जो अल्लाह ताला ने जो आईलिड की बैक साइड पे जो व्हाइट एंड ब्लैक सी बॉल बनाई है। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो ये इंटरफेसेस हैं डिफरेंट डेटा इनपुट के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? तो नेटवर्क का इंटरफेस के नेटवर्क से बनाने के लिए, नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए, दिस इज अ कंप्यूटर, यहां से इस कंप्यूटर ने इसके साथ एक नेटवर्क बनाना है, तो उस कंप्यूटर ने इसके साथ अटैच होना है, तो जो अटैचिंग पॉइंट होगा वो इसका इंटरफेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंटरफेस कहलाएगा। जैसे हर कंप्यूटर में यहां पे आपको ये जगह नजर आ रही है कि नहीं नजर आ रही? आप देखिए लोगो एक बना हुआ है, लोगो भी कैसा सा है, लोगो कैसा सा नजर आ रहा होगा आपको? इस तरह का लोगो नजर आ रहा है? हुज़ैफ़ा उस्मान सितार, किस कलर से शेड हुआ हुआ है ये? हैं? ब्लैक से शेड हुआ हुआ है।
मैंने इसीलिए पूछा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो आप बोले ग्रीन से शेड हुआ हुआ है, वो ब्लैक से शेड हुआ हुआ है, इस तरह से वो बना हुआ है। तो ये निशानी है कंप्यूटर्स की, इनफैक्ट उस पोर्ट के साथ, इस सुराख को पोर्ट कहा, पोर्ट समझ आ रही है, पोर्ट कहा जाता है। और इंटरफेस जब हम डेटा इसके साथ कनेक्ट करते हैं, सो जब नेटवर्क को इसके साथ कनेक्ट किया जाता है तो वो एक इंटरफेस बनाता है, क्या बनाता है, इंटरफेस। और बिल्कुल इसके साथ जो नीचे आईसीसी लगी हुई होगी उसको, उधर जो आईसी है उसको कार्ड बोलेंगे, जैसे होता है ना ग्राफिक कार्ड, ग्राफिक कार्ड भी कैसा होता है, कार्ड भी, वो भी तो एक आईसी होती है ना, इनफैक्ट वो भी क्या होती है, एक प्रोसेसर होता है, एक आईसी होती है जो डेटा को प्रोसेस करना जानती है। ग्राफिक कार्ड के बारे में सुना हुआ कि नहीं, मेमोरी कार्ड, ये क्या होता है, मेमोरी कार्ड क्या है, क्या ये बाकायदा कौन सा, ये तो चिप होती है, जिस तरह से अभी आपको मैं नॉर्मली दिखाता हूं, व्हाट इज दिस, ये सिक्योर डिजिटल कार्ड है, एसडी कार्ड, समझ आ रही कि नहीं, जिसको आप मेमोरी कार्ड बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना, ये मेमोरी कार्ड है। तो कंप्यूटर में आईसीज, जो आईसीज होती है उनको कार्ड्स भी कहा जा सकता है, जिनका कोई स्पेशल काम होता है, समझ रहे बात के नहीं। तो इसी तरह नेटवर्क के साथ कनेक्ट कराने वाली जो आईसी है, जो इंटरनेट का डेटा या नेटवर्क का डेटा मेरे कंप्यूटर के साथ या मेरे कंप्यूटर को समझाएगी, वो जो आईसी जो रिसीव करेगी है यहां से जब बाहर जाएगा डेटा, तो अपनी एक आइडेंटिफिकेशन अटैच करके भेजेगी कि हाँ आप ये वाला है, आप इस कंप्यूटर से डेटा सेंड हुए हुए हैं। तो जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है उसका एक अपना मैक एड्रेस होता है, जो हर कंप्यूटर को अलॉट किया जाता है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एंड इट इज ओनली नेसेसरी फॉर नेटवर्क, इट इज नेसेसरी फॉर नेटवर्क। व्हेनेवर अ कंप्यूटर वांट्स टू शेयर डेटा, व्हेनेवर अ कंप्यूटर वांट्स टू शेयर डेटा, उसके पास एक मैक एड्रेस लाजमी होना चाहिए, और मैक होता है उसके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का पहचान, समझ आ रही कि नहीं, उसके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का उसका मैक एड्रेस होता है। सबको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। जब इंटरनेट तक बात चली जाती है ना, तो मैक वहां पे सेकेंडरी हो जाता है, आईपी एड्रेस आपका प्राइमरी एड्रेस है, जो कि पूरी दुनिया में फिर आपको आइडेंटिफिकेशन करवाएगा। क्लियर होगी मेरी बात कि नहीं हुई, होगी ना सारों को। अच्छा, इसी तरह से यहां पे उसने लिखा हुआ भी है, आपके पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज नीडेड टू अलाउ अ डिवाइस टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क सच एज नेटवर्क और सच एज इंटरनेट, इट इज यूजुअली पार्ट ऑफ द डिवाइस हार्डवेयर एंड कंटेन्स द मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस विच इज जनरेटेड एट द मैन्युफैक्चरिंग स्टेज। ये सारी बातें आप लोगों ने सुन ली है। वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और कंट्रोलर्स WNICs आर द सेम एज NICs इन दैट दे आर यूज टू कनेक्ट डिवाइसेज टू द इंटरनेट और अदर नेटवर्क्स। हाउएवर दे यूज वायरलेस कनेक्टिविटी यूटिलाइजिंग एन एंटेना टू कम्युनिकेट विद नेटवर्क्स वाया माइक्रोवेव्स। अब मैं अगर अपना मोबाइल फोन निकालूं, मेरे मोबाइल फोन में जो कनेक्टिविटी है, सॉरी आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, WNIC, I'm searching for WNIC, no results found, wireless network SIM information, network this, kidhar ho, mobile networks, network operator, जब उंगलियां मारते रहो तो सब चीजें सामने आ जाती हैं, जब काम की चीज हो तो तब सामने नहीं आती है। ओ भाई किधर चले गए, Thank you.
खैर मुझे वो मिल गया है जो मेरी अपनी जो वाइफ है इसका मैक एड्रेस मैंने निकाल लिया है, इसका मैक एड्रेस भी और इसका आईपी एड्रेस भी, इसका मैक एड्रेस भी और इसका आईपी एड्रेस भी, बट मैं अपने फोन का निकाल रहा था। खैर आप लोग खुद देख लेना यार, अभी तो ऐसी मनहूस चीज है। चलो उस डिवाइस का, जो भी डिवाइसेस होती है उनके पास होता है, कंप्यूटर के पास एक होता है वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो कि रेडियो वेव्स को इस्तेमाल करता है। तो फोन में अक्सर औकात जब आप सेटिंग्स में जाते हैं, मुझे नहीं समझ आता कौन सी सेटिंग्स में जाके तो वो निकलता है, खैर निकल आता है बीच में से अबाउट में। देखो तुम लोग मुझसे ज्यादा उंगलियां मारते हो फोन में, आज प्रूफ भी हो गया। अबाउट में स्टेटस इंफॉर्मेशन याद आ गया मुझे, याद आ गया मुझे, नहीं याद आ गया मुझे, वाईफाई मैक एड्रेस फोन वाईफाई मैक एड्रेस, फोन का वाईफाई मैक एड्रेस है, मतलब आप अपने इस डिवाइस में जाके आप सेटिंग्स देख सकते हैं। ये नजर आ रहा है आपको, नीचे देखें जरा, ठीक है नीचे नजर आ रहा है ना, क्या लिख, कहां से स्टार्ट होता है, फोर फोर सी टू समथिंग, फोर सी टू ई फाइव ई डैश 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 व्हाटएवर, आगे सब कुछ चलता जा रहा है। और इसके अलावा जितने भी वाईफाई आपकी डिवाइस ने आज तक कनेक्ट किए हुए होते हैं उन सारों की हिस्ट्री भी इसमें आ जाती है, जो जो वाईफाई आपने कनेक्ट किए होते हैं एक्सेट्रा। खैर यहां तक बात सबको समझ आ रही है। तो वाईफाई नेटवर्क इंटरफेस कार्ड दो तरह के हैं, कौन कौन से वाले, एक तो वायर्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो या एक वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो। जब वायरलेस वाला होता है तो उसके साथ एक एंटेना अटैच होता है जो रेडियो वेव्स ट्रांसमिट या रिसीव करने की अहलियत या सलाहियत रखता हो। जो वायर्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है जिसको सिंपल एनआईसी भी बोलते हैं, वो आपके डिफरेंट वायर्ड नेटवर्क कनेक्टिविटी की सलाहियत रखता होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, मैक एड्रेसेस उनके यूनिक होते हैं, हर कंप्यूटर के मैक एड्रेस यूनिक होता है। सिर्फ समटाइम्स कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में जो नेटवर्क मैनेजर्स होते हैं ना, वो मैक एड्रेस के साथ छेड़छाड़ करते हैं, हमें अलाउड नहीं होता, मतलब हम नहीं करना चाहते, सिर्फ वो लोग मैक एड्रेस को तब्दील करते हैं। मिसाल के तौर पर जरा सुनिएगा, अगर फॉर एग्जाम्पल उन्होंने अपनी कंपनी के अंदर डिफरेंट या एक सर्टन फॉर्मेट का मैक एड्रेस वो एक्सेप्ट करते हैं, अगर ये कर रहे हैं, एक सर्टन सेट फॉर्मेट का मैक एड्रेस उनको चाहिए कि उनको ये आइडिया हो, उनके सर्वर को ये आइडिया हो कि ये जितने भी मैक एड्रेसेस आ रहे हैं ये सारे मेरी अपनी कंपनी के हैं। तो इसलिए सिर्फ जो नेटवर्क मैनेजर है वो उनको तब्दील करता है मैक एड्रेस को, और वो भी टेम्परेरली, परमानेंटली नहीं, वो टेम्परेरली तब्दील करता है उनको, उसको बोलते हैं लोकली एडमिनिस्टर्ड मैक एड्रेस LAA। जो कंपनीज बनाती हैं वो तो चाहती है कि कोई भी मैक एड्रेस तब्दील ना करे, क्योंकि मैक एड्रेस तब्दील करेंगे तो उससे नुकसान क्या होता है, उससे नुकसान क्या होगा, मैक एड्रेस तब्दील करने से आपकी आइडेंटिटी क्या होगी, हाइट चेंज हो जाएगी, और वो एक सिर्फ नेटवर्क के अंदर तब्दील होगी। तो जब आप कम्युनिकेट करना चाहेंगे, कम्युनिकेट कर रहे होंगे, तो इन्फॉर्मेशन जब वापस आएगी तो आप तक नहीं आएगी, वो किसी और के पास चली जाएगी, वो इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं आएगी, वो किसी और तक चली जाएगी। जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे होंगे, जो भी क्वेरीज आपने या नेटवर्क में कम्युनिकेट करना चाहेंगे, तो समटाइम कम्युनिकेशन या डेटा शेयरिंग इन द नेटवर्क बिकम्स कह लें कि इम्पॉसिबल जब आप अपना मैक एड्रेस तब्दील करते हैं। तो सिर्फ सर्टेन सेट रूल्स होते हैं, उनकी बेस के ऊपर जो आपका नेटवर्क मैनेजर होता है वो उन आईपी उन मैक एड्रेसेस को तब्दील करता है। तो इनको जो तब्दील होने वाले हैं इनको बोलते हैं लोकली एडमिनिस्टर्ड मैक एड्रेसेस, जो नहीं करते जिनको तब्दील उनको बोलते हैं यूनिवर्सली एडमिनिस्टर्ड मैक एड्रेसेस। समझ रहे बात की नहीं? तो जो नेटवर्क मैनेजर तब्दील करता है जो लोकली एडमिनिस्ट्रेटेड मैक एड्रेस, तो उसकी सर्टेन रीजंस होती हैं, उसकी सर्टेन रीजंस होती हैं। रीजन भी ये हो सकती है कि एक सर्वर या एक नेटवर्क में एंटर होने के लिए या एक नेटवर्क में कम्युनिकेशन के लिए एक खास मैक एड्रेसेस का फॉर्मेट जो सा है ना वो एक्सेप्टेबल है। एक खास मैक एड्रेसेस का फॉर्मेट एक कंपनी ने डिजाइन किया हुआ है, सिर्फ वही फॉर्मेट होना चाहिए
और किसी का दूसरा फॉर्मेट नहीं हो सकता। मतलब मिसाल के तौर पे अपनी नंबरिंग उन्होंने दी हुई है, उसके अंदर अपनी मर्जी से नंबर्स जनरेट किए हुए हैं। और इवन इसमें अपनी मर्जी से नंबर जनरेट करने का मतलब ये, जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि 4C2E5E --, ये तो कंपनी ने मुझे दिया हुआ है ना, मैं अपनी मर्जी से क्या कर लूं, ऑल जीरोस और आखिर में 0001 02 03 04 05। मेरे कंप्यूटर से मिसाल के तौर पर 256 कंप्यूटर हैं, सारे जितने मैक एड्रेसेस हैं वो सारे 0000, सिर्फ आखिरी ग्रुप जो है ना वो पहला कंप्यूटर 00, दूसरा कंप्यूटर 01, तीसरा कंप्यूटर 02 कर दूं, 03 कर दूं, 04 कर दूं। हालांकि मेरे अपने कंप्यूटर के वो वाले मैक एड्रेसेस नहीं है, वो मेरे कंप्यूटर्स के नहीं है, मेरे नेटवर्क के मैक एड्रेसेस वो नहीं है, मेरे तो बड़े रैंडम से होंगे क्योंकि मैंने मार्केट से खरीदे होंगे लैपटॉप्स, ये कंप्यूटर्स मैंने मार्केट से खरीदे होंगे, डिवाइसेस मार्केट से खरीदे होंगे, उनके अपने अपने मैक एड्रेसेस होंगे। लेकिन जो नेटवर्क इंजीनियर होता है, नेटवर्क मैनेजर होता है, उसको एक्सेस होती है इन तमाम चीजों की, तो वो जाके सेटिंग्स में तब्दीली कर सकता है और उसको वो सर्टन रूल्स फॉलो करता है, कहीं ऐसा कोई मैक एड्रेस ना हो जाए जो पहले से ऑक्यूपाइड हो। समझ आ रही कि नहीं? तो वो सिर्फ वो वाले, और वो जो नेटवर्क्स की आइडेंटिटी होती है वो विद इन अ नेटवर्क होती है, वो आउटसाइड द नेटवर्क उनको कोई भी नहीं पहचानता, ना वो कर सकते हैं, ना वो इंटरनेट उसको अलाउ करता है कि अपना मैक एड्रेस तब्दील करके इंटरनेट पे आप डेटा शेयर करें, इंटरनेट अलाउ नहीं करता उसको। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सो इंटरनेट फिर क्या कहता है कि कोई एक डिवाइस, लेट्स से सर्वर कनेक्ट हुआ वो हो इंटरनेट के साथ, सर्वर कनेक्ट हुआ वो इंटरनेट के साथ और बाकी जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट ना हुए हुए हों। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? नहीं समझ आ रही? सबको समझ आ रही है? अच्छा, समटाइम ये भी होता है, समटाइम ये भी होता है कि जिसने मैक एड्रेस मेरी, अगर इदारे के फॉर एग्जांपल डिफरेंट फ्लोर्स हैं, पहला फ्लोर होगा ग्राउंड फ्लोर, तो वो 01 से उनके स्टार्ट होंगे, 01 02 03 04 05 06 07 08, इस तरह से। क्लियर हो रही है कि नहीं? इसी तरह जो फर्स्ट फ्लोर होगा उसका एक अलग फॉर्मेट होगा मैक एड्रेस का, दूसरा फ्लोर होगा अलग फॉर्मेट, उसके बाद तीसरा फ्लोर।